हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजू ब्लॉग यूपी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में सेटलमेंट होंगे। तो दोस्त, मैं आज आया हूँ फाइनली घूमने, जो एक शारदा नदी है और शारदा नदी के पार आए हैं घूमने। शायद आप लोगों को पीछे का व्यू दिखता होगा और मैं अभी टहलने आया हूँ और बहुत ही अच्छा इधर लग रहा है दोस्त। और इधर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग अभी नाव से आए हैं फाइनली, फिर से एक बार नाव पर चलेंगे और मैं आप लोगों को आज नाव दिखाऊंगा जो कि लकड़ी द्वारा बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा। और एक भाई भी मेरे साथ आया है जो कि परमानेंटली वो नाव ही चलाते हैं, और मैं उनसे भी आप लोगों से मिलाऊँगा। तो तब तक देखिए कितना अच्छा प्यारा नज़ारा है। ये पानी है जो कि शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी बहुत ही पुराने से लेकर अपने जगह पे ही मतलब चलती है, और बारिश में थोड़ा बहुत शायद इस नदी से प्रॉब्लम आती है गांव वालों को, लेकिन अभी तो पुला पानी बहुत कम है। और अभी हम लोग चलते हैं नाव पे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। और जितने भी हमारे भाई दोस्त हमारे इस ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इतिहास से रिलेटेड ब्लॉग लेके आता रहता हूँ। और कुछ लड़के भी इधर हैं जो कि शारदा नदी है, और लोग ये जो पुल दिख रहे हैं आप, और एक पुराना पुल अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, उधर पुल जो आप लोगों को दिखता होगा तो उस पर ट्रेन चलती है, और जी ये पुल जो आप लोगों के सामने दिख रहा है उस पर बस चलती है। और जो भी लोग मतलब जाते हैं इस पुल से गुजर के तो सिक्के नदी में डालते हैं, तो कुछ लोग उसमें निकाल भी रहे हैं, पैसे भी खोजते हैं। और अभी मैं आप लोग दिखाऊँगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहना। तो हेलो दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ। दो छोटे छोटे प्यार प्यारे बच्चे हैं, ये देखिए इतिहास से रिलेटेड भी है, और ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे निकालते हैं। कितना पैसे निकालते हैं दिखा रहे, दिखा दो। ये देखिए ये नदी का पैसा निकाला है इतना, और फिर जा रहे हैं इधर नहाने के लिए। दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा जो नाव मास्टर हैं, जो बहुत ही अच्छा नाव भी चलाते हैं, और वो हमारे साथ में भी आए हैं। शायद आप लोग वो दिखा रहे हैं, शायद वही हैं। आओ उधर, ये देखिए ये बहुत पुराने नाव मास्टर है और नाव को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। अभी हमको ले कर चलेंगे उस पार, उधर जो सामने आप लोग के दिख रहा है उस पार चलेंगे नाव से, और यही नाव को ले कर चलेंगे। अभी मैं आगे नाव भी जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना ज़रूर दोस्त। तो फाइनली हम लोग नाव के पास आ ही गए हैं, और अभी नाव के ऊपर फिलहाल हम लोग बैठने वाले हैं, और नाव हमारे ये सामने लगी हुई है, और देखते हैं और कैसा ये भाई चलाता है। तो फिलहाल उधर से तो हम लोग अच्छे ही बैठ के आए हैं, और अभी फिलहाल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सामने। और चलिए नाव के पास आ गए हैं, चलो उधर जाओ देखते हैं, जाओ हम खेलते रहे। ये देखिए दोस्त नाव को भी खेल लिए हैं, और उधर पीछे बैठेंगे वो, और अभी नाव से हम लोग उस पार जा रहे हैं। अभी देखना है इनको सिवाई और नाव किस तरह चलाते हैं, अभी बताएंगे आप लोगों को। अभी बैठे तो आप लोग देख सकते हैं इधर भाई नाव को चलाना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत मेहनत से नाव भी चलती है दोस्तों, और सामने वाले देख ही सकते हैं। तो बहुत हल्ला ही है यार, देखिए किस तरह नाव को चला रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, भैया भी देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इतिहास रिलेटेड ब्लॉग लेके आता रहता हूँ दोस्त। और नदी भी बहुत बड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा लंबी है, अभी हमको जाना है उस पार, आप लोग देख ही सकते हैं। ये हमारा पुल है, और नाव को पहले फिर देखिए आप, और हम लोग उस पार पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो फाइनल दोस्त हम लोग उस पार पहुँचने वाले हैं, ये देखिए अभी हम लोग उस पार जाने वाले हैं बस थोड़ी देर में। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इतिहास से रिलेटेड ब्लॉग लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में।